नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आज हम जानेंगे विशेषल भविष्य निधि के बारे में कि विशेषल भविष्य निधि में हमारे खाते में PF कितना है और कैसे इसको खोलेंगे और कैसे इसका हम जानेंगे। चलिए PF स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इसको कंप्यूटर प्लस मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे CMPF। CMPF टाइप करेंगे, उसमें एक साइट खुलेगा मेंबर लॉगिन इन सर्विस। आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मेंबर लॉगिन इन में एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको बता रहा है CMPF नंबर डालना है और पासपोर्ट डालना है। अगर आप अपना PF नंबर है तो PF नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर PF नंबर अपना टाइप करेंगे और यहाँ पर पासपोर्ट टाइप करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो PF नंबर डाल के यहाँ पर टाइप कर और फॉरगेट योर पासपोर्ट कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर टाइप करके आप पासपोर्ट मंगा सकते हैं। तो मैंने तो पहले से इसको सेव करके रखा हूँ, मैं अपना PF नंबर और पासपोर्ट सेव करके रखा हूँ। आपके पास है तो आप टाइप कर लेंगे और पासपोर्ट टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जब सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो एक पेज ओपन होगा जो आपका खुद का पेज होगा। आपका पेज खुल जाएगा कोयला खान भविष्य निधि संगठन ई सेवा में, आपका खुल जाएगा। इसमें आप अपना नाम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलिए थोड़ा सा झिलझिलाहट ज़्यादा है, चलिए यहाँ तक ठीक है। आप यहाँ नाम देख लेंगे अपना, वेलकम लिखेगा, वेलकम आपका नाम सही है या गलत चेक कर लेंगे। उसके बाद अपने खाते का स्टेटमेंट देखना है तो आप ये देखिए यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको एक कॉलम आ रहा है ई पासबुक लेड गेयर कार्ड। यहाँ पर आप पासबुक में क्लिक करेंगे। पासबुक में क्लिक करने के बाद आपका खाते में क्या जमा है और क्या इंटरेस्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये तो ओपन हो गया। तो दोस्तों, आप इसमें सबसे पहले आप जहाँ काम करते थे मेंबर लीगडर प्रोविजनल दिखा रहा है। यहाँ पर यूनिट कोड है आपका KTS 15, यूनिट नाम है जहाँ पर आप काम करते थे। मैं कोरीडी करता था इसलिए वह कोरीडी यहाँ दिखा रहा है। आप कहीं और करते होगा आपको यहाँ दिखाएगा। फिर आपका PF नंबर यहाँ पर दिखाएगा। फिर आपका आधार से लिंक है लेकिन आधार नंबर नहीं इसमें चढ़ाया हुआ है तो नील दिखाएगा। और कब आप ज्वाइनिंग किए हैं सो दिखाएगा, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, नाम अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। आप यहाँ फादर्स नाम दिखाएंगे, फादर्स नाम यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और ये और नीचे साइड में जो दिया हुआ है पूरा, ये आपका पूरा दिया हुआ है PF, जो कैसे मिलता है आपको, क्या कटता है, कैसे इंटरेस्ट है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना है इसको। आप थोड़ा सा शब्द नहीं लोका रहा है, थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ देखिए, पहला नंबर में FY मतलब होता है फुल ईयर्स, मतलब पूरे साल 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ये आपका पूरा ईयर्स का बारे में बता रहा है, ठीक है। और सेकंड दिखा रहा है इंटरेस्ट,
सेकंड ऑप्शन में दिखा रहा है 8.5% पीएफ का पैसा 8.5% बनता है, ठीक है। थर्ड में आपको बता रहा है OPM मतलब ऑल पीएफ मेंबर, आप अपना खुले हुए हैं तो इसका फुल फॉर्म हम खुद ही अपने से डिस्कस करके बताए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ओपी का मतलब हुआ ऑल पीएफ मेंबर, और ओ थर्ड फॉर्म में दिया हुआ ओपीई ऑल पीएफ ईएमआई, और यहाँ पर फाइव में लिखा हुआ सी एम ई एम, इसमें इसका मतलब हो गया कोल माइंस ईएमआई मेंबर। आप कोल माइंस में अपना ईएमआई जमा कर रहे हैं, उसका मेंबर का बता रहा है, इस लेवल में आपको बता रहा है कोल माइंस ईएमआई मेंबर, ओके समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद होगा सीईएमपी कंपनी ईएमआई मेंबर पेड, कंपनी ईएमआई मेंबर पेड मतलब ये इसमें कंपनी अपना पैसा देती है। और यहाँ पर लिया वीसी का यहाँ 0.0 दिया हुआ है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं आप। और यहाँ पर आठवां भाग में आपको नेक्स्ट में दिया हुआ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट दिखा रहा है, और नौवां में भी दिखा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ भी इंटरेस्ट है और यहाँ पर भी इंटरेस्ट है दोस्तों। और ये तो हमारा जो भाग है, ये जो हमारा भाग है, ठीक है, ये हमारा पैसा कटता है और कंपनी पैसा देती है, और प्लस इंटरेस्ट ये हमारा कॉपीस वगैरह से जमा होता है, और फुल्ली जब कंप्लीटेड हो जाता है तो हमारा खाते में एंट्री होता है। यहाँ आप देखेंगे, आप दाहिने साइड में यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं आपको हम, चलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ सी बी एम का मोहता होता है कस्टमर बैलेंस मेंबर। आपका जो पैसा कटा सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जो आपका पैसा बना यहाँ पर दिखाई देगा कस्टमर बैलेंस मेंबर। और नेक्स्ट में दिया हुआ सी बी ई, इसमें कंपनी बैलेंस ईएमआई, यानी कंपनी बैलेंस ईएमआई मतलब कंपनी जो पैसा दी है, ईएमआई जो आपको मिला है वो यहाँ पर दिखाएगा, और इस दोनों को प्लस करके टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल इनकम दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं, ऊपर का मतलब तो हम लोग समझ गए। तो दोस्तों सबसे पहले फुल्ली ईयर्स के नीचे हम आते हैं 2009। दोस्तों 2009 में जो पैसा कटा, 2009 में जो पैसा कटा वन ईयर्स लगा आपको, तो 2009 का पैसा 2009 में नहीं दिखा रहा है, इसलिए 0.0% में दिखा रहा है, और 2000 का पैसा जो कटा सो हमारा 2010 में दिखा रहा है, क्योंकि एक साल बाद पैसा दर्शाया जाता है। तो एक साल होने के बाद 2010 में हमको 2009 का पैसा 2010 में चघाया गया 6,680 रुपया, और कंपनी सीईएमपी कंपनी ईएमआई मेंबर पेड किया हमको 6,680 रुपया, मेरा कटा 6,680 रुपया और कंपनी सेम देती है 6,680 रुपया जो 2010 में दिखाई दे रहा है हम इस। और यहाँ पर आपका चघा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जब आ जाए तो समझिए कंप्लीट आपका हो गया है कस्टमर बैलेंस मेंबर में यहाँ पर हम आएंगे तो हमारा कस्टमर वो 6,680 रुपया, और कंपनी बैलेंस ईएमआई हमको दे रहा है 6,680 रुपया, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो 13,360 रुपया आपका टोटल हुआ।
यानी कि 2009 का पैसा ये दिखा रहा है। तो 2009 में पैसा ये हमको दिखा रहा है 13,360 रुपया। अब 2010 में जो पैसा कटा आपको, 2010 में जो पैसा कटा वो एक साल जब पूरा, यानी 2011 में अब चलते हैं, तो 2011 में यहाँ पर दर्शा रहा है, 2011 में दर्शा रहा है मेरा पैसा कटा है 2010 में 20,896 रुपया, 20,896 रुपया, और कंपनी दी हमको 20,896 रुपया, और ए जो ऑप्शन दे रहा है 6,680 रुपया, 6,680 रुपया ऑप्शन दे रहा है। ए आपको बता रहा है कि 2010 में जो आपको पैसा कटा था उसका, 2009 में जो पैसा कटा था 2010 में दिखाया, और 2010 से फिर एक साल हुआ तो आपको यहाँ पर 2011 में दर्शा रहा है, और इसका इंटरेस्ट 2011 से शुरू किया है। तो 6,680 रुपया का इंटरेस्ट आपको मिला है 567 रुपये 80 पैसा, और कंपनी जो 6,680 रुपया दी उसका भी मिला 567 रुपया 80 पैसा, और 2010 में जो पैसा कटा सो आपको 2011 में दिखा रहा है यहाँ पर 20,896 रुपया, और कंपनी दी थी 20,896 रुपया। इसका इंटरेस्ट एक साल बाद दिखाई देगा जो नेक्स्ट में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट तो हम लोग कंपनी मेरा कस्टमर बैलेंस मेंबर में चलते हैं, तो पहले इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम 20,896 रुपया को जोड़ेंगे और प्लस एक इंटरेस्ट जोड़ेंगे, यानी तीन स्टेप को जोड़ना है। वो हमारा हुआ कस्टमर बैलेंस मेंबर में हमको 28,143 रुपया हुआ, और कंपनी बैलेंस ईएमआई हमको मिला 6,680 रुपया, इसका इंटरेस्ट 6,567 रुपया, और मेरा ईएमआई मिला 20,896 रुपया। ये तीनों को प्लस करेंगे तो 28,143 रुपया हमको कस्टमर बैलेंस कंपनी बैलेंस ईएमआई में हमको दर्शाया गया। हम इस दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आ जाता है 56,287 रुपया, ये हमारा है। अब 2011 में जो पैसा कटा, 2011 में जो 20,896 जो कटा वो उसका हमको दर्शा रहा है 2012 में, एक ईयर्स बाद यहाँ पर दर्शा रहा है इंटरेस्ट के साथ जो हमको मिला 28,143 रुपये 80 पैसा, उसको हमको 2012 में दिखा रहा है 28,143 रुपये 80 पैसा, और कंपनी दी थी 28,143 रुपया, और 2011 में मेरा फिर पैसा कटा 17,337 रुपया, और कंपनी हमको दी 17,337 रुपया, और मेरा कटा 17,037 रुपया। तो कंपनी हमको इंटरेस्ट दी जो 2011 में मेरा पैसा बना 28,143 रुपया, उसका इंटरेस्ट दी 8.5%, 2392 रुपया 22 पैसा, और मेरा पैसा जो जमा हुआ उसको भी मिला 2392 रुपया 22 पैसा, और मेरा जो 2011 में कटा 17,037 रुपया, इसका इंटरेस्ट एक साल बाद दर्शा जाता है ताकि एक साल बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हम फिर 28,143 और प्लस 17,037 और प्लस 2392 हम जोड़ेंगे, जोड़ के हम जो देखेंगे तो 47,573 रुपया 2 पैसा आता है, और फिर उसी तरह से 28,143 रुपया, 17,037 रुपया प्लस 2392 रुपया 22 पैसा प्लस करेंगे तो हमको कंपनी बैलेंस ईएमआई बना 47,513, दोनों को हम प्लस करेंगे तो मेरा टोटल इनकम होता है 95,140 रुपया। अब दोस्तों देखेंगे कि 2011 में कटा हुआ पैसा मेरा 2012 में 17,037 रुपया दिखा रहा है, अब 2012 में जो पैसा कटा है उसको यहाँ पर 00 बता रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर चघाया नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात है कि आपका जो 47,000
747,573 रुपया जो आपका कस्टमर बैलेंस में मिल रहा है, और ये कंपनी बैलेंस ईएमआई मिला है दोनों को 95,140 रुपया। ये आपको ये दोनों का यहाँ पर दिखा रहा है 13 में, तो 13 में जो आपका दिखा रहा है 47,573 रुपया और कंपनी दी थी 47,573, और जो 12 में कटा उसका आपका नील दिखा रहा है। आपको 12 वाला जो पैसा कटा वो चढ़ाया हुआ नहीं इसमें है, तो इसका इंटरेस्ट अभी चढ़ा नहीं, इसे कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो इसको कुछ बताने का मतलब नहीं है। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज से जो पैसा पहले का जो है उसको 47,573 रुपया का इंटरेस्ट फिर भी आपको मिला है 4,043 रुपया, और कंपनी जो दी थी 47,573 रुपया उसका भी इंटरेस्ट मिला 4,043 रुपया। तो हम लोग दो को जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा पैसा कटा हुआ तो दिखा नहीं रहा है, तो पहले हम लोग इसको फर्स्ट सेकेंड जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 51,616 रुपया, फिर 47,573 प्लस 4,043 रुपये 71 पैसा, उसको हम लिखेंगे कंपनी बैलेंस ईएमआई में। हमको यहाँ पर दिखा रहा है 51,661 रुपया 616 रुपया, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1,03,223 रुपये दिखा रहा है, और 51,616 रुपया 73 पैसा जो हमें कस्टमर बैलेंस मेंबर में दिखा रहा है, तो 2014 में इसका भी इंटरेस्ट मिला है हमको यहाँ पर दिखा रहा है, 2014 में इंटरेस्ट मिला है 51,616 रुपया 73 पैसा का इंटरेस्ट मिला है 4,387 रुपया 42 पैसा, और जो कंपनी बैलेंस ईएमआई जो दिया है हमको ये भी दर्शा रहा है यहाँ पर 2014 में 51,616 रुपया 73 पैसा उसका भी इंटरेस्ट मिला है हमको 4,387 रुपया। हम फिर इसको जोड़ेंगे 51,616 रुपया प्लस 4,387 रुपया 42 पैसा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56,400 रुपया 15 पैसा, और फिर 51,616 रुपया जोड़ेंगे जो कंपनी दी उसका इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 56,004 रुपया 56,004 रुपया पॉइंट 15 पैसा। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मेरा होता है 1,12,008 रुपया 30 पैसा। दोस्तों ये 00 जो दिखा रहा है ये आपका 12 का जो पैसा कटा है, सो 13 में यहाँ पर दर्शाता जो, ताकि यहाँ पर चघाया हुआ नहीं है, तो अगर चघाता तो आपका एक कुछ और यहाँ बढ़ता और टोटल होकर फिर इंटरेस्ट आता तो आपको इंटरेस्ट मिलता। इस तरह से हम लोग पीएफ स्टेटमेंट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और समझ में आया तो फिर से आप कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जब पीएफ स्टेटमेंट अपना खोलेंगे तो आप यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है, यहाँ से नीचे साइड में लॉग आउट दिया हुआ है, यहाँ लॉग आउट कर देंगे। तो चलिए लॉग आउट करते हैं, ये आपका पूरा बंद हो गया, आप इसको काट सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग अपना पीएफ स्टेटमेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।